तो ये है मेरी मॉर्निंग। और देखो मेरा घर इस तरह से मैशी मैशी हो रखा है। ये जो दुपट्टे काम होता है, तो मेरे यहाँ रील वगैरह कट्टे में भर के रख रखे हैं। और इस रूम में जो है मेरे पापा सोते हैं, आई मीन मेरे ससुर जी सोते हैं। तो अभी ये मैशी मैशी से हो रहा, तो मैं इसे क्लीन करने के लिए आ रखी हूँ। और इसे क्लीन करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। वैसे एक बार तो झाड़ू लग चुकी है, लेकिन जो दूसरी बार झाड़ू होती है ना, वो लगानी बाकी है। नीचे से ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और मैं ऊपर आके अब दोबारा से झाड़ू पोछा करूँगी। जो रील का कट्टा भरा हुआ रखा था, तो उसे मैं अपने इस रूम में रख दूँगी। इसमें ना हमारा चुन्नियों का काम होता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दुपट्टे बनते हैं, तो उसका सारा सामान इसमें रखा रहता है। रील वगैरह होती हैं या जो भी सामान होता है, तो इसमें हम रख देते हैं। तो मैंने इसमें रख दिया। तो और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। वैसे हमारे रूम वगैरह की तो हो गई थी, पापा के रूम की पोछा नहीं लगाता, तो मैं सोचा दोबारा झाड़ू पोछा दोबारा कर देती हूँ। उल्टी सीधी झाड़ू लगती है ना सुबह सुबह, तो जल्दी जल्दी मैं बस ऐसे लगा देती हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और मैंने आज बनाए थे कढ़ी चावल, तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। सो अब मैं खाऊंगी कढ़ी चावल, मैं और मेरा बेटा, तो वो भी आ गया है। तो अब हम दोनों मतलब कढ़ी चावल खा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और ये है सेकंड डे, सेकंड डे है। और मेरे घर पर अभी कुछ कोई आया हुआ है, तो मेरे यहाँ छाछ है, गाय है ना, मेरे यहाँ तो मठा चलता है डेली। तो मठा पापा ने बोला कि मठा दे दो, तो मैं मठा दे रही हूँ किसी को। एक्चुअली कारनामा ख़त्म हो गया, तो जो भी था तो मैंने वो सारा थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल दिया था। और अब मैं ये मतलब बाहर भेजूँगी देने के लिए मठा। और एक्चुअली घर की चीज़ तो घर की ही होती है। और यहाँ मैंने ना मिर्च को छौंका था खाली, तो उसमें मैं नींबू निचोड़ रही हूँ। एक्चुअली जो छुकी हुई मिर्च होती है ना, ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ खाने खाने में। और कुछ दिनों बाद मैं चूल्हे की रोटी भी शेयर कर दूँगी। एक्चुअली मेरे यहाँ ना छत पर चूल्हा रखा जाएगा, तो उस पर चूल्हे पर रोटी भी बनती है मेरे यहाँ गर्मियों में, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं इसमें नींबू डालकर इसे मतलब निकाल लूँगी किसी बाउल में। और ये देखने में मतलब बहुत टेस्टी लग रही है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में। एक्चुअली हल्दी रखी हुई थी, मेरे देवर की शादी है ना, तो मैं सोच रही थी थोड़ा हल्दी को कूट के पीस के रख लेते हैं, क्योंकि जो हल्दी चढ़ती है ना, इसलिए कूट पहले हमने इसे मट्ठे में गलाया था 3-4 दिन के लिए, जिससे कि इसकी गर्मी निकल जाए निकल गई, और नहीं तो फिर दाने निकल आते हैं। इसलिए मैंने इसे कूट के छान के इसे मतलब भर के रख दिया है। और देवर की शादी के लिए भी सिर्फ 12 से 13 दिन रह गए, क्योंकि 19 तारीख से तो फिर हल्दी वगैरह चढ़ने लग जाएगी। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने देवर की शादी की। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। किचन में अभी मैं दाल को रोस्ट करूँगी। एक्चुअली दाल रोस्ट जो होती है, अरहर की दाल जो होती है, उसे रोस्ट करके बनाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और मतलब गाढ़ी सी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मैं पहले रोस्ट कर लूँगी। और ये जो है दाल को मैंने साफ़ करके पहले ही भर के रखा हुआ था, बांध के रख दिया था। और इसे धो के मतलब भुन जाएगी जब ये, इसे फिर भुनने के बाद इसे धो के और कुकर में चढ़ा दूँगी बनने के लिए। अगर आप इस दाल की मुझसे पूछोगे ना किस तरह से बनती है कैसे, तो मैं आपको प्रॉपर इसी की रेसिपी मतलब बना के डाल दूँगी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो बना ले रही हूँ। और ये जब भुन जाएगी, तो मैं इसे किसी प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद फिर मैं इसे वॉश करके अच्छे से कुकर में चढ़ाने के लिए रख दूँगी। और अभी मुझे थोड़ी सी दाल कम सी लग रही है, तो इसमें मैं थोड़ी सी दाल और निकाल लूँगी। और बस ये दाल ना भुनने वाली है। एक्चुअली मेरी जो कढ़ाई है, इसको माइंड मत करना, क्योंकि ये मेरी सासू माँ की बहुत पुरानी कढ़ाई है। एक्चुअली उनकी सास के हाथ की, गांव में जब वो लोग रहते थे,
जब वो लोग गांव में रहते थे ना तब ये कढ़ाई जो है चूल्हे पे यूज़ होती थी, तो इसलिए ये कढ़ाई इतनी मतलब वैसी हो रही है और ये साफ़ नहीं होती है, चूल्हे की कढ़ाई है, बहुत साल पुरानी कढ़ाई है। और ये मेरी दाल भुन चुकी है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और अब मैंने इसे धो के कुकर में रख दिया। उसमें मैं नॉर्मल मसाले ही डालूंगी, हल्दी, नमक, मिर्च, एक्चुअली धनिया अवेलेबल नहीं था मेरे पास, ख़त्म हो चुका था तो मैंने वो नहीं डाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। एक्चुअली मेरा ब्लॉग कल से मैंने कंटिन्यू किया था, उसे कल से कंटिन्यू किया था, बस मैं उसका हैंड नहीं कर पा रही थी तो थोड़े सांस फूल गए। और मैं आई हूँ ऊपर, वो देखिए वो रखा हुआ हमारा टेबल टेनिस ऊपर, तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आज जो भी हल्का फुल्का मैं काम कर रही हूँ उसे उसकी वीडियो बना के डाल देती हूँ, उस वीडियो कर देती हूँ मैं एंड, क्योंकि अब जो घर का काम था वो ख़त्म हो चुका है, पेंट वगैरह और जो भी चल रहा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस अब सामान जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ, थोड़ा सा जो कबाड़ा निकलता है ना बस वो बेचना है, और जो कपड़े वगैरह निकलते हैं बेकार वो किसी को देने हैं। और सांस चढ़ गई चढ़ते चढ़ते ऊपर। और अब शुरू हो गई शादी की तैयारियाँ, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन भी मुश्किल से रह गए मेरे देवर के इसको। अब अभी मैं हल्दी कूट के पीस के आई हूँ और थोड़ी बहुत रह गई वो मम्मी करेंगी, क्योंकि मैं थक गई थी, अब मुझसे हो नहीं रहा था इसलिए बाकी की जो है मम्मी करेंगी। उसके बाद हमारे यहाँ दाल की बड़ी वगैरह तोड़ी जाती हैं, बढ़ियाँ वो तोड़ेंगे और फिर बहुत सारे अब काम शुरू हो जाएंगे। फिर 19 तारीख से हल्दी वगैरह चढ़ने लग जाएगी, लगन जो होती है वो हो जाएगा। और ये मेरा रूम शायद मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं होगा, ये बनने के बाद रेडी होने के बाद ये वाली फ्लोर पहले दिखाई थी, अभी मैंने यहाँ पर ना अपना सामान नहीं रखा हुआ और ये अभी सीढ़ी यहीं रखी हुई है, अभी यहाँ से हटाई है, ये चार तो सामान पड़ा हुआ है। अभी ना मेरा बेड वगैरह आएगा इसके अंदर, बस मैंने बच्चों की कवर ला के रख दी थी यहाँ पे, और वो बक्सा रखा हुआ है छोटा, उसमें बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े वगैरह रख दूँगी इसलिए। और यहाँ पर मैंने बेड ऊपर मंगा के रख दिया पर वो अभी कमरे में शिफ्ट नहीं हुआ है, और ये सब सामान है ये अभी फेंका नहीं है, अभी इसे इन्हें रखा नहीं गया है, इन सबको भी हटाना है। मतलब अब काम तो सारा ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत है ये तो अब चलते फिरते होता रहेगा डेली का। और जो हमारे यहाँ तो मैंने बोला था गाय है, तो ये गाय की पूड़ियाँ मतलब शादी वादी में से जो बच के आ जाती हैं वो हमारे यहाँ दे जाते हैं, तो हम अपनी गाय वगैरह को खिला लेते हैं। बाहर वाला रूम, इसमें लाइट ही नहीं, इसकी लाइट निकाल दी शायद किसी ने, और ये हमें मैंने किसी ने कहाँ रख दी है, ये बाहर का है, ये बाहर का कुछ इस तरह से है ये। और ये सामने वाला जो मकान है वो मेरे जेठ का है, तो मैं यहाँ पर बंद कर देती क्योंकि ना वो हवा चलती है ना तो फिर गेट बजते आवाज करते हैं इसलिए। तो फ्रेंड, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप कुछ मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगी। और बहुत ज़्यादा यकीन है, और अब मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियो कंटिन्यू करने की, डेली वीडियो अपडेट किया करूँगी। अभी तक ना मुझे फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हो पा रही थी क्योंकि व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था, वीडियो हो ही नहीं पा रही थी क्योंकि घर में काम वगैरह चल रहा था इसलिए। और अब शादी, अब ये काम ख़त्म हो गया तो अब शादी का काम शुरू हो गया, अब शादी का काम करेंगे स्टार्ट। तो मैं जाती बाहर, तो फ्रेंड बस मैंने सोचा अपना वीडियो मैं एंड कर देती हूँ, अपना जो मेरा जो व्लॉग है वो मतलब कल से मैंने कंटिन्यू कर रखा है। और साड़ी का क्या हाल हो रहा है, और मैंने आज साड़ी भी पहनी हुई है, आज मैंने साड़ी इसलिए पहनी हुई है क्योंकि सूट पहन रखा था मैंने, घर में इतना सारा काम हो रहा था इसलिए मैंने कहा बहुत दिन हो गए बन के चलो साड़ी डाल लेते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो
तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शायद कल भी मैं वीडियो डालूँगी। और देखो ये थ्रेडिंग में कितनी हो रही है अभी, और फेस का भी बहुत बुरा हाल हो रहा है, पिगमेंटेशंस वगैरह आ गए हैं बहुत सारे काम से, तो इसलिए तो बताए।